मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना है। विश्व के बहुत से भागों में उपजाऊ मिट्टी कई कारणों से बंजर होती जा रही है, इसलिए किसानों और आम जनता को इसकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने की जरूरत है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर अशोक के पात्रा। फिफ्थ दिसंबर 2019 आज का दिवस विश्व मृदा दिवस है और ये आज का जो दिवस है ये पूरा दुनिया में मनाए जा रहे हैं। इस बार का जो थीम है वो है मिट्टी का कटाव रोके हमारा भविष्य संवारे, स्टॉप सॉयल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सब जानते हैं कि मृदा का जो स्वास्थ्य है वो पहले आज से 30 साल पहले जो था वो आज नहीं है, और इसका जो मेन एक कारण है वो है मृदा क्षरण, मृदा का जो कटाव हो रहा है। ये मुख्यतः जो बरसात का जो पानी है कभी कभी बहुत इंटेंसिटी के साथ वो गिरता है और मिट्टी जो सरफेस है जो उर्वरक मिट्टी है वो उड़ जाता है और पानी के साथ वो बह जाता है। हमारा देश में ये आंकड़ा है कि 5.3 बिलियन टन्स जो मृदा है वो बह जाता है और इसमें 8 मिलियन टन्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो चला जाता है हमारा जो खेत है उससे। अगर हमारा मृदा स्वास्थ्य बरकरार रखना है तो ये रुकना है। मिट्टी किसी का आधार है, बिना अच्छा मिट्टी पानी और अच्छा सीड जो बीज हम कृषि कर नहीं सकते हैं। तो इसी दिशा में पूरा देश पूरा विश्व आज पूरा एक कोशिश कर रहे हैं कैसे जागरूकता लाए, जिसके तहत सबसे पहले बात आती है भूमि संरक्षण की। इसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता, मृदा अपरदन को रोकने के लिए मेड़बंदी, बंजरता को रोकने के लिए हरियाली आदि को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक वानिकी के रहस्यों को समझकर इन क्षेत्रों में अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ भूमि संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्धिकरण भी संभव हो सकेगा। मृदा क्षरण ऐसे ही चलता रहेगा तो आने वाले टाइम में सॉयल डिग्रेडेशन इतना हो जाएगा कि हम खेती कर नहीं सकते हैं। कटाव हो रहा है उसको रोके, हम पेड़ उगाए, जहाँ पर स्लोपी लैंड्स हैं वहाँ पर पेड़ उगाए, एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाएं, फ्रूट जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, अच्छा से अच्छा घास आजकल मिल रहा है उसी स्लोपी लैंड से लगाएं, टेरेसेस करें, मृदा क्षरण रोके। क्लाइमेट चेंज आप देख ही रहे हैं, इस साल कितना वर्षा हुआ उसको हमको कंजर्व करना है। हमारे जो पॉन्ड्स है जहाँ पर तालाब है उसको रखना है, उसको बचाना है। और इसीलिए बोलते हैं जो खेत का पानी खेत में है, गाँव का पानी गाँव में है, अगर वो करेंगे तो आपका पानी बहेगा नहीं, पानी के साथ मिट्टी बहेगा नहीं। फ्लड इरीगेशन को कम से कम करना है। फ्लड इरीगेशन का मतलब ऐसे ही बह देना, जैसे इसीलिए आजकल स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, इस सब चीज का बहुत जोर दिया जा रहा है, सरकार बहुत जोर दे रहे हैं। हमारा जो फर्टिलाइजर हम किसान भाई देते हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि वो बैलेंस्ड मात्रा में नहीं देते हैं। बैलेंस मात्रा में नहीं देंगे तो मृदा स्वास्थ्य खराब होगा, नहीं तो नहीं खराब होगा। तो इसीलिए सॉयल टेस्ट करके हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारा सरकार जो दे रहे हैं किसान भाइयों को वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो लिखा रहता है उसको देख करके हमको कोशिश करना है वही फर्टिलाइजर हम दें जहाँ जितना जरूरी है। तो इसमें ये हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसमें आपका जैविक खाद भी रहेगा, रासायनिक खाद भी रहेगा, आपका बायो फर्टिलाइजर्स रहेगा और बाकी जैसे हर्बिसाइड दे देते हैं, पेस्टिसाइड देते हैं और उसको सोच विचार ना करके अगर दे देते हैं, उसको सही तरीके टेस्ट करके नहीं देते हैं, एक्सपर्ट का जो सुझाव विचार को ना देखते हुए देते हैं, तो हमारा जो मिट्टी मृदा वो खराब होगा। तो इस चीज के ऊपर में बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे अजोला, हरी खाद, अजेटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। आजकल काफी इंडस्ट्री हो रहा है, उसका जो वाटर है वो रिवर में चला जाता है
और सब लोग मृदा में छोड़ देते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, मृदा में तो बिल्कुल नहीं देने, 100 साल लग जाता है ज़्यादा, उससे ज़्यादा वो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए। अगर प्लास्टिक है, हैवी मेटल्स है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है, सीवेज वाटर बिना ट्रीटमेंट करके अगर मृदा में पहुंच जाता है तो मृदा स्वास्थ्य पोल्यूशन हो जाता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव वो मर जाता है, वो काम नहीं हो पाता है। जो पराली जो फसल अवशिष्ट जो रहता है उसको हम आजकल देखते हैं कि जला देते हैं, उसमें आपका पॉइजनस गैस ये सब चीज़ निकलता है और वो जा करके हमारे जो मृदा में, मृदा का जो स्वास्थ्य है, जो आपका केचुआ है और भी सूक्ष्म जो जीव है उसको वो मार देता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। अगर वही जो पराली है, जो हमारा फसल अवशेष है, उसको हम अगर ठीक से अगर मिट्टी में अगर उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो टाइम के साथ साथ वो फर्टिलाइजर जैसा काम करता है, उसका फर्टिलाइजर कम लगेगा आपको। सबसे खास बात तो ये है कि कृषि के बढ़ते अवशेष पदार्थों को यूं ही बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पुनः कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के रूप में प्रयोग कर प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है। हम किसान भाइयों को ये बोलते हैं कि डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर करिए, जहाँ पर आपको सब कुछ रहेगा, आपका धान रहेगा, गेहूं रहेगा, आपका वेजिटेबल्स रहना चाहिए, आपका जो गाय रहना चाहिए, भैंस रहना चाहिए, आपका पॉन्ड्स भी होना चाहिए, मतलब मछली भी पालन करिए, पोल्ट्री भी करिए। तो इसमें क्या होता है, एक का मतलब जो उसका जो अवशिष्ट है उसका दूसरे में यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, मुनाफा कर सकते हैं, और इसमें सबका स्वास्थ्य वो बरकरार रहेगा।